नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस समय जो आप देख रहे हैं, श्री गायत्री शक्तिपीठ आतिया तालाब झांसी पर खड़े हुए हैं हम नई अपडेट लेकर। हमारे सब्सक्राइबर कमेंट भेज रहे थे, सर जी सारे मंदिर दिखाए, गली चौराहा दिखाया, कोरोना काल में हर चीज दिखाई और आपने पीताम्बरा सॉरी गायत्री मंदिर नहीं दिखाया, शक्तिपीठ, इसलिए हम नई अपडेट लेकर आए हैं। गायत्री पीठ जो सामने आप देख रहे हैं इस समय कोरोना काल में बंद है, ताला लगा हुआ है, सुनसान है गलियां, लोग बाग अब भी भयभीत हैं कोरोना से। अच्छी बात है, बेवजह घर से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर जेब में रखकर चलें। मार्केट संवाद बार बार आप सबसे अपील कर रहा है, बेवजह घर से ना निकलें, आप सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें। हमारी झांसी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि कोरोना टेस्टिंग ज़्यादा जा रही हैं, अब पॉजिटिव केस कम निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है हमारे झांसी के लिए, क्योंकि हमारी झांसी की जनता काफ़ी जागरूक हो गई है, अब बेवजह घर से नहीं निकलती है। हमारे माननीय डीएम साहब, एएसपी साहब, एसपी साहब झांसी सिटी के, सारा प्रशासन जो सड़क पर उतर कर अपील की लोगों से, उसका काफ़ी अच्छा असर लोगों पर पड़ा है, काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं, इसलिए अब बेवजह घर से नहीं निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क लगाकर निकलते हैं, सैनिटाइजर जेब में रखकर चलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं सड़क चौड़ी सड़क है लेकिन सुनसान है, इक्का दुक्का लोग दिख रहे होंगे। ये आप कचरा देख रहे हैं भैया, ये एक कचरा घर है क्या? ये जो पेड़ के नीचे कचरा डाला जा रहा है, गंदगी को फैलाई जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये मेन सड़क है, लोगों को गंदगी में बदबू भी आती होगी, कचरे की गाड़ी सुबह आती है, उस कचरे की गाड़ी में लोग डाल दें तो अच्छी बात है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं देश में, तो आप ध्यान दें, बेवजह कचरा रोड पर ना फेंकें, साफ सफाई से रहेंगे, बीमारी भी नहीं घेरेंगी। ये हमारा गायत्री शक्तिपीठ है जो कि सारे मंत्रों से बढ़ के गायत्री मंत्र है, सारे मंत्रों का निचोड़ गायत्री मंत्र है। ये बंद है इस समय, नहीं तो हम आपको अंदर लेके चलते। ये आतिया तालाब है, इसी तालाब के नाम से पूरे एरिया को जाना जाता है, इस जगह को आतिया ताल के ही नाम से फेमस है। आप जो देख रहे हैं आतिया ताल कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर, स्वच्छ है, साफ है, सुथरा है, आप देख रहे होंगे। ये बच्चों को घूमने के लिए बोट पड़ी हैं। आइए हम एक सज्जन है उनसे बात कराते हैं और पूछते हैं कि आतिया ताल नाम क्यों है इस तालाब का। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आतिया ताल क्यों कहते हैं इस तालाब को? यहाँ के लोग बताते हैं कि इसके नई बस्ती में ये वहाँ पर हाथी, रानी लक्ष्मीबाई के हाथी उनके सूबेदार वगैरह रहा करते थे, उनके हाथी घोड़े इसमें नहाने आया करते थे, इस वजह से ये तालाब बना हुआ था, तो उन्होंने इसी वजह से हाँ इसका हाथी तालाब कुंड बनाया होगा। हाँ,
वो काफी बड़ा था, वो तो पक्का हो गया, पहले कच्चा था, क्या आगे से पक्का था वो वाला, इसलिए हाथीताल कहा गया, इसलिए हाथीताल कहा गया। धन्यवाद। ये जो सामने बीच में आप देख रहे हैं, ये कितना मनमोहक सुंदर दृश्य आपको दिखा रहे हैं, बदक हैं बीच में जो सामने देख रही होंगी। ये काफी बड़ा तालाब है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बच्चों के लिए आप बोर्ड देख रहे होंगे घूमने के लिए, काफी सुंदर तालाब है। पहले यहाँ पे जलकुंभी हुआ करती थी, जो प्रशासन के सहयोग से इसको साफ किया गया और स्वच्छ बनाया गया। ये पूरा तालाब है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग जो देख रहे हैं, ये सज्जन बैठे हुए हैं, आइए हम बात कर दें। भाई साहब नमस्कार, आप लोग क्यों बैठे हैं इधर पे? यहाँ पे देख रेख करते हैं, जो कचरा वचरा डलता है वो भी निकाल दे रहे थे बाहर हम लोग। अच्छा अच्छा, देख रेख के लिए। हाँ। तो कोई संस्था आपको पैसा देती है कि स्वेच्छा से? सुरक्षा से है, वो तो ठेकेदारों की तरफ से है। तो ठेकेदार काय का ठेका लिए है? वो यानी मछली पालन, हम तो उनके साथ है, मछली वालों के साथ। जैसे कोई मछली ना पकड़े, कोई देख रेख करते रहते, मछली मारती रहती, उसको निकाल दे बाहर। अच्छा अच्छा, और आप भाई साहब? सर मेरा ये बोर्ड का काम है, मैं घुमाने के लिए करता हूँ, बच्चों को घुमाते हैं, कोई आता है पेरेंट्स वगैरह तो उनके लिए घुमाता हूँ बोटिंग। अच्छा, बोटिंग से घुमाते हैं? हाँ, ये पीपी मॉडल वाले। तो भाई साहब आप क्या मछली का ठेका लिए हैं? मैं 3 साल के लिए ठेका लिए हूँ, और उसमें ठेके के साथ साथ मेरा ये साफ सफाई का भी काम है, और इसमें कूड़ा कपड़ा गिरता है वो भी ठेका आप ही लिए हैं? उसी में जुड़ा हुआ है। तो वो ठेका कहाँ से लिया है? नगर निगम से? नगर निगम से, विभाग से। वो पीपी मॉडल है, उन्हीं के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब ठेका पर्सनली हमारा नहीं है। हाँ। पीपी मॉडल ने हमको, पेटी कॉन्ट्रेक्टर नहीं होता। हाँ। टाइप का है। धन्यवाद। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।